बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम जो मेरी पहली रात है या जो फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या उससे पहले मैं व्याघ्रा ले लूँ? क्या व्याघ्रा पहली रात को लेना सेफ रहेगा? और ले लूँ तो क्या मेरा टाइम बढ़ेगा? और क्या मेरी वाइफ को नहीं पता चलेगा या जो भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं वो ठीक हो जाएंगी? इज इट रियली सेफ टू टेक व्याघ्रा ऑन योर फर्स्ट हनीमून फर्स्ट नाइट? वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत लोग शादी कर रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। मुझे पता है आप देखने वाले हैं, लेकिन अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे फर्स्ट नाइट पे व्याघ्रा ले सकते हैं या नहीं। सबसे पहले ये समझेंगे कि व्याघ्रा काम क्या करती है। व्याघ्रा यूजली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ली जाती है। जिन लोगों का टाइम बहुत कम होता है या इरेक्शन लंबे समय तक नहीं टिकता है, उन लोगों को व्याघ्रा दी जाती है। व्याघ्रा समझिए हमेशा एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। जब आप लेंगे मे बी 2-3 घंटे 4 घंटे में ये असर करेगा जो आपके टाइम को बढ़ाएगा। लेकिन क्या पहली रात को व्याघ्रा लेना चाहिए? व्याघ्रा कभी भी विदाउट ट्रायल नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने पहले कभी भी नहीं खाई हो और एकदम से आप पहली रात को बिल्कुल ट्राई करने के लिए उसे खा रहे हो, तो ये क्या होगा कि असर आने में या इसकी डोज तक डेवलप करने में प्रॉब्लम होगी। मोर ओवर व्याघ्रा मे बी आप लेते हैं तो आपको समझना पड़ेगा इसका राइट डोज क्या है। क्या ये वाला परसेंटेज ऑफ व्याघ्रा मुझे सूट करता है? कौन से ब्रांड का मुझे लेना चाहिए? और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको जानने ज़रूरी हैं। बहुत मेल्स को फर्स्ट नाइट व्याघ्रा लेने के बाद सुबह इंडाइजेशन हो जाता है, रात को गैस पास होने जैसा लगता है, सर घूमने लगता है, फीवर होने लगता है, मे बी अजीब से बॉडी में कंपन आने लगती है। और इमेजिन करें कि आपने फर्स्ट नाइट व्याघ्रा तो ले लिया लेकिन जब आप सुबह उठे तो आपकी हालत ऐसी हो रही है जैसे आपने 10 बियर साथ में पी हो, तो फिर क्या होगा कि आपकी फीमेल पार्टनर के आगे आपका जो इंप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ट्राई करने के मूड में भी हैं या करना भी चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो आप पहले ट्रायल कर लो, पहले कर लो। मे बी आपने व्याघ्रा 10-12 दिन पहले ले ली शादी से पहले, देखो मुझे सूट कर रही है या नहीं। आप चाहो तो मास्टरबेट कर सकते हो उस रात, तो आपको अपने टाइम का अंदाजा हो जाएगा। दूसरी चीज जो समझनी है कि व्याघ्रा जो है वो कुछ समय के लिए एक्ट करती है। जैसे कई लोगों में वो 2-15 मिनट में एक्ट करने लगती है, कई लोगों में 1 घंटा लग जाता है उसको उतना फर्क आने में, कई लोगों के लिए वो 3 घंटे तक टाइम बढ़ाती है, कई लोगों के लिए 6 घंटे तक, कई लोगों के लिए सारी रात। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से वो कैसे काम करेगा। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसे पहले ट्राई करें और अपने टाइम को ध्यान में रख के करें। ऐसा नहीं है कि आप करने जा रहे हैं उससे पहले आपने दवाई ले ली और वो काम करेगी। इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 20 मिनट्स to 1 आवर पहले व्याघ्रा लेनी चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड थोड़े से भी डाउट में हैं तो। तीसरी चीज़ जो समझनी है वो है नॉर्मल और नॉट। अगर आपको लगता है भाई मेरा सेक्स टाइम एक्चुअली नॉर्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फिर व्याघ्रा पे जंप नहीं करें। इससे बेटर ये है कि आप कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मूलाज लें जो एक्चुअली आपका स्टेमिना शुरू से बढ़ाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उस रात भी ले रहे हैं, उससे पहले भी कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिपेयर करे, उसमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज हैं उसको रिपेयर करे, या जो बोलते हैं ना थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गया उसको रिपेयर करे। उन्हें लेना मैं ज़्यादा प्रेफर रखूँगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट नाइट व्याघ्रा लेने के लिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट और रेपरकशंस डेफिनेटली गलत हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें समझना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन लेके कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में कर रहे हैं, तो व्याघ्रा आप पे कोई असर नहीं करने वाली है। व्याघ्रा उन्हीं मेल्स पे काम करती है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन गड़बड़ी के कारण या और बेहतर उसे करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका सेक्स टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, आपको डेफिनेटली इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर व्याघ्रा काम नहीं करने वाली। या बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं तो भी व्याघ्रा काम नहीं करती है। यूजली व्याघ्रा काम करती है आपके पेनिस के नीचे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ताकि इरेक्शन जो है मतलब जो तनाव है वो काफ़ी समय तक बना रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ज़ीरो है और ये 10-20 हो जाएगा या मैं घबराहट में भी ये खा लूँगा तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। बेटर ये है कि आप मे बी फर्स्ट नाइट से पहले थोड़ी सी बात करें, रिलैक्सेशन डेवलप करें, कम्युनिकेशन जितना करेंगे उतना आपका जो डर है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि पहली रात को ही परफॉर्म करना होता है, या पहली रात को परफॉर्म नहीं करेंगे तो इशूज़ आएंगे। तो
तब भी आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जानना चाहते हैं पहली रात की क्या टिप्स है या क्या बेटर करना है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली डिटेल में देख सकते हैं। तीन चीज़ों को और ध्यान रखें अगर आप पहली रात पे व्याघ्रा ले रहे हैं, ये कि आप उसको खाली पेट लें। बहुत ज़्यादा खाना खा के अगर आप व्याघ्रा लेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं करेगी। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन रखें। ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी दिन रूटीन कर रहे हैं तो व्याघ्रा काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी फटीग को दूर करती है, आपको रिलैक्स करती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि आपने खुद को एक्टिव रखना है, साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी ड्रग उस दिन नहीं लेना है अगर आप व्याघ्रा ले रहे हैं। व्याघ्रा के बाद आप अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करेंगे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ व्याघ्रा पहली रात को लेनी चाहिए सेफ या नहीं। और कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ साथ हमारे नए चैनल्स जो कि बॉयज़ को मैरिज से पहले प्रिपेयर करते हैं, बॉयज़, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।